दोस्तों, इस वक्त यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसी वक्त एयरफोन लगा लें, क्योंकि मैं अभी मेरे साथ हमारे दो मित्र बैठे हैं और हम गुरुजी के आश्रम में मैं इनको ध्यान की गहराई में ले जा रहा हूं। आप भी इस गहराई का आनंद लें और अपने जीवन की समस्याओं से निकल जाएं और अपने जीवन की जो ऊर्जा है अपने भीतर ही उसे महसूस करें। चलिए आइए दोस्तों, हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं और उस खजाने से मिलते हैं जो हमारे अंदर ही पड़ा हुआ है। एक लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। आप कुछ देर के लिए आपकी आंखें बंद रहेगी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे। मेरी आवाज़ के जरिए कुछ ही देर के बाद आप मन की गहरी और गहरी अवस्था में चले जाएंगे। वापस एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भीतर की तरफ लें। सांस के जरिए आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश जा रहा है जो आपको भीतर से हील कर रहा है और आप भीतर से अपने को काफ़ी शक्तिशाली और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। सांस धीरे धीरे बाहर छोड़े। आपके मन में जिस भी प्रकार का तनाव है, शब्दों के जरिए या चित्रों के जरिए या भाव के जरिए, वो सांस के जरिए काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है और ब्रह्मांड में अग्नि के गोले में भस्म हो रहा है। आपका पूरा का पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक हल्का और रिलैक्स हो रहा है। आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुन रहे हैं। मेरी आवाज़ के अलावा दूसरी कोई भी आवाज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। कुछ ही देर बाद आप मेरी आवाज़ के जरिए मन की गहरी और गहरी अवस्था में चले जाएंगे। जब भी मैं गहरी और डीप शब्द का उपयोग करूंगा, आप मन की और गहरी और डीप अवस्था में चले जाएंगे। आपका पूरा शरीर हल्का 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 और हल्का होता चला जा रहा है। आप मन से भाव करें सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक। आपका पूरा का पूरा शरीर हल्का और रिलैक्स हो चुका है आपका पूरा का पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक हल्का और रिलैक्स हो चुका है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव और बेचैनी नहीं है। आप अपने शरीर को गुब्बारे भांति हल्का अनुभव कर रहे हो, शिथिल अनुभव कर रहे हो। ये जो शिथिलता है, ये जो रिलैक्सेशन है, इसकी वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बह रही है, जैसे नदी बहती है। ये रिलैक्सेशन की ऊर्जा, ये शिथिलता की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में बह रही है और आपको काफ़ी आनंद आ रहा है इस आनंद को आप इस वक्त इस दिव्य स्थल पर महसूस कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर हल्का और रिलैक्स हो चुका है। अब मन से कल्पना करें आपका ये हल्का शरीर आसमान में उड़ रहा है। कल्पना करें, मन की आंखों से कल्पना करें, आपका पूरा शरीर आसमान में उड़ रहा है और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, आपका शरीर आसमान में उड़ रहा है। जैसे जैसे आपका शरीर ऊपर जाता है, आपके शरीर में बचा हुआ तनाव भी पूरा निकल जाता है। अब आपका शरीर तनाव रहित हो चुका है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव और बेचैनी नहीं। आपका मन पहले ही शांत हो चुका है। अब आकाश में आपको एक बड़ी सी गोल सिलेंडर के आकार की लिफ्ट दिखाई दे रही है, कांच की। आप उसका एक बटन दबाते हैं और 10th फ्लोर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आप 10th फ्लोर में जाते हैं, लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, 10th से 9th फ्लोर की तरफ। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है, आप मन की और गहरी और डीप अवस्था में जा रहे हैं आप पहले से ज़्यादा शांति अनुभव कर रहे हैं। 8 मन की और गहरी और डीप अवस्था। जब भी मैं गहरी और डीप अवस्था बोलता हूँ, आप मन की और गहरी और डीप अवस्था में चले जाते हैं। आप भीतर की ऊर्जा को इस वक्त महसूस कर सकते हैं। 7 मन की और गहरी और डीप अवस्था। 6 मन की और गहरी और डीप अवस्था में जा रहे हैं। 5 मन की और गहरी और डीप अवस्था, काफी अच्छा लग रहा है। 4 मन की और गहरी और डीप। 3 मन की और गहरी और डीप। 2 मन की और गहरी और डीप। 1 इस वक्त आप मन की एकदम गहरी और डीप अवस्था में जा चुके हैं। आपका शरीर पहले ही हल्का हो चुका है, मन भी शिथिल और रिलैक्स हो चुका है। इस वक्त आप
अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके अल्फा लेवल में है। आपका जो ब्रेन वेव्स है वो 7 to 14 तरंग है, यानी कि आप अवचेतन मन की अवस्था में आ चुके हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है, आप मन की आंखों से देखिए, आपके सामने एक हरा मैदान है, उसमें हरी घास लगी है, आप नंगे पांव उसमें चल रहे हैं, आपको काफी अच्छा लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। आप उस हरे मैदान में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, आप धरती माता के कॉन्टेक्ट में, आपको धरती की जो ऊर्जा है वो अनुभव हो रही है पांव में। सूर्य निकल रहा है सामने पहाड़ से, आप उसे देख रहे हैं, उसका प्रकाश आपके शरीर में जा रहा है और आपके जीवन में जस मान कीर्ति सब आ रहा है, आप प्रसिद्ध होते जा रहे हो, आपके हर काम होते जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आपके शरीर को 120 साल तक स्वस्थ रख रहा है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपको काफी अच्छा लग रहा है, आप नंगे पांव चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो। अब आपके सामने एक बड़ा सा सोने का दरवाजा है और एक सफेद कपड़े पहने हुए सफेद मूछों वाला आदमी उस दरवाजे को खोलता है। आप जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाते हो, आप पाते हो ये एक पिक्चर हॉल है, उसमें एक सोफा लगा है जिस पर आप लेट जाते हैं और आपके सामने जैसे थिएटर में स्क्रीन होती है वैसी स्क्रीन है, वो स्क्रीन वापिस एक पर्दे को अपने सामने देखें, उस पर्दे पर अपनी वो तीन इच्छाओं को देखें जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हकीकत में आप चाहते हैं कि ये इच्छा अगर मेरी पूरी हो जाए तो मैं उस परमात्मा का आभारी रहूंगा, उस गुरु का आभारी रहूंगा जिसके जरिए मेरे जीवन में ये चमत्कार हो रहे हैं। आपके सामने पर्दा है, पर्दा खाली है, उसमें वो घटना को देखें जो आप पाना चाहते हैं, वो घटना इस वक्त हकीकत में हो रही है आपके सामने। वो घटना पर्दे पर मन की आप उसे देखें, कल्पना करें, वो घटना हो रही है, पहली घटना जो आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपको काफी अच्छा लग रहा है, वो आपका सपना, वो आपका लक्ष्य, पहला लक्ष्य पूरा हो चुका है, अनुभव करें, महसूस करें कैसा लग रहा है। आप दूसरी इच्छा को देखें जो आप पाना चाहते हैं, वो इच्छा भी इसी वक्त घटित हो रही है, आप उसे मन की आंखों से देख सकते हैं, आप यदि उसमें कुछ आवाजें हैं उन आवाजों को भी सुन सकते हैं, मन की आंखों से देखना है आपको, काफी अच्छा लग रहा है, दूसरी इच्छा भी पूरी हो चुकी है। अब आखिरी और तीसरी इच्छा को उस पर्दे पर देखिए, वो घटना जो आप इच्छा है, जो आपकी जो आपका गोल है वो भी पूरा हो रहा है, उसमें जो भी चित्र है वो देखें, आवाजें यदि आपको कोई बधाई दे रहा है तो उन्हें सुने, आप कौन लोग आपको गले मिल रहे हैं वो भी देखें, आप बहुत खुश हो आपके जीवन में, वो सब आपने पा लिया जो आप पाना चाहते हो, ये तीन घटनाएं आपके जीवन की बेहतर होती है, आपने वो प्राप्त कर ली है, कैसा लग रहा है महसूस करें, इस ऊर्जा को अपने शरीर के हर लहू के कण में पहनने दें, आपको काफी अच्छा लग रहा है, आपको काफी अच्छा लग रहा है, आप तरोताजा हो चुके हैं। थोड़ी देर इस ऊर्जा को महसूस करें, कुछ देर के लिए मेरी आवाज बंद हो जाएगी, आप इस ऊर्जा में रहें और अपने भीतर बदलाव को अनुभव करें, अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करें, क्योंकि भीतर ही खजाना पड़ा हुआ है। यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो इस टेक्निक को रोज करें, इस वीडियो को आप लगातार 90 दिन तक एयरफोन लगाकर सुनते रहें और जो भी कमांड दी जा रही है उसके हिसाब से मन की यात्रा करते रहें। यदि आप मन की यात्रा करेंगे, आपके भीतर वो सब बीज डाल देंगे जो आप पाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में वही बाहर की दुनिया में हकीकत होगा। कुछ देर के लिए मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, आप इस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके भीतर इस वक्त आ चुकी है। अब आप उस परमात्मा के आभार व्यक्त कर रहे हैं, उस परमात्मा को जिसको भी आप मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, इस स्थान का आभार व्यक्त कर रहे हैं, इस स्थान के गुरु सिद्ध योगी श्री दशरथ बापू उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनके माता पिता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, अपने माता पिता गुरु देवता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, सारे ग्रहों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, दृश्य शक्ति और अदृश्य शक्ति का आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब योग बनता है तभी ऐसी घटना घटित होती है। आज योग बना है उसके आप आभारी हैं, आप धन्यवाद कर रहे हैं और अब आप उस थिएटर से बाहर निकलते हैं, वो आदमी आपके लिए दरवाजा खोलता है, आप उसे कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कुछ मिठाई, फ्रूट या पैसा, वो आप दे रहे हैं, वो खुश है और आपको थैंक यू बोल रहा है, आप उसको हाथ मिला रहे हैं, वो आपके साथ सेल्फी ले रहा है क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। अब आप वापस से उस हरे मैदान में आ जाते हैं जिसके जरिए आप मन की गहराई में गए थे, उस हरे मैदान में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, वो लिफ्ट का फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाते हैं, लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, अब लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर की तरफ,
आप मन की गहराई से बाहर निकल रहे हैं, थर्ड फ्लोर मन की गहराई से बाहर निकल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। आप पहले से तरोताजा और कई गुना ऊर्जावान अपने को महसूस कर रहे हैं। चौथा फ्लोर मन की गहराई से बाहर आ रहे हैं। 5, 6, 7 यू आर कमिंग आउट ऑफ द डीप हिप्नोटिक स्लीप, आप गहरी नींद के बाद बाहर निकल रहे हैं, आपको काफी अच्छा लग रहा है। 8, 9, 10 मन की गहराई से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है। अब आप हाथों को मलना शुरू करें, आंखें बंद ही रखनी है, हाथों को मलना शुरू करें। इन्हीं हाथों से अपने चेहरे को प्यार से मलें, आपके चेहरे में एक दिव्य प्रकाश आ चुका है। हाथ से अपने चेहरे को मलें और हाथों को नीचे लाएं। जैसे ही मैं 3 चुटकी बजाऊंगा, धीरे धीरे करके आंखें खोलें, आप अपने को काफी अच्छा और शक्तिशाली महसूस कर रहे होंगे। 1, धीरे धीरे आंखें खोलें। 2, धीरे धीरे आंखें खोलें। 3, पूरी तरह आंखें खोलें, आप अपने को तरोताजा और फ्रेश अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा है आपने ये इस टेक्निक को अप्लाई किया होगा। आपको इसको करने के बाद जैसा फील हुआ वो नीचे कमेंट में लिखिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।